खलारी कोयलांचल के पिपरवार क्षेत्र के विस्थापित रैयतों की 7 सूत्री मांगों को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन पिपरवार क्षेत्र की बंदी शुरू हो गई है। आज अहले सुबह मोर्चा के लोग सड़क पर उतरकर सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए और घूम घूम कर पूरे क्षेत्र का कामकाज तक बंद करवा दिया। मोर्चा ने इस बंदी के कारण सीसीएल की रीढ़ माने जाने वाली पिपरवार एरिया में कोयला उत्पादन, कोयला ढुलाई और डिस्पैच का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। पिपरवार के राजधर, बचरा और आरसीएम साइडिंग से रैक लोडिंग और डिस्पैच का कार्य बंद होने से सीसीएल के अलावा रेलवे को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इधर बंदी को लेकर अशोका में सुरक्षा कर्मियों और बंद समर्थकों के बीच तनाव देखी गई। खदान का काम बंद कराने जा रहे को लेकर मोर्चा के लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने अशोका पीठ ऑफिस के समक्ष रोक दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बंद समर्थकों ने आक्रोश प्रकट करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंदी का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन, केंद्रीय सचिव रामचंद्र उरांव सहित अन्य लोगों ने बताया कि सीसीएल प्रबंधन रैयतों की भूमि पर कोयला खनन कर रही है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। प्रबंधन को लिखित मांग पत्र देने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आक्रोशित लोगों ने पिपरवार क्षेत्र को बंद कराया है। जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक यह बंदी जारी रहेगी, ये उनका कहना है। ना बंद कर दीजिए, हम लोग शांति ढंग से आंदोलन करेंगे, बंद करेंगे और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। आप चालू रखेंगे, शोभा नहीं दे रहा। चालू होने देंगे, ऑपरेशन नहीं चालू, ऑपरेशन हमारा बंद।